Hello guys, a very warm welcome to your very own concise classes. So let's work on today's goal of 10 words daily so that you all can boost your vocabulary on Word Power Made Easy by Norman Lewis. So people, we are on session 4 of the respective book, and in this session we'll be dealing with the practitioners of various field or the doctors of various field. Okay, so the first word is gynecologist. That is women's doctor. जो women's की problem से related जो doctor होता है उसे हम कहते हैं gynecologist. In the previous session also I told you कि अगर किसी practice के आगे ठीक है IST जुड़ जाता है तो वो उसके practitioner को बताते हैं. For example gynecology study of female ailments है ठीक है, लेकिन अब उसमें IST जुड़ गया तो वो बता रहा है women's doctor. Next is obstetrician. That is doctor related to childbirth और प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज पीडियाट्रिशन, यानी कि इन्फेंट्स डॉक्टर, मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिशन. नेक्स्ट इज डर्माटोलॉजिस्ट, जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए जो डॉक्टर होता है वो होता है डर्माटोलॉजिस्ट. ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, आई रिलेटेड डिसऑर्डर या किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं आई डॉक्टर. ऑर्थोपेडिस्ट, स्पेशलिस्ट डील विद स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे डील करेगा ऑर्थोपेडिस्ट. नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे डील करेगा कार्डियोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सो दैट विल बी डेल्ट बाई न्यूरोलॉजिस्ट. Next is psychiatrist, one who treats mental and emotional disturbances. Okay, so with this, the lecture has been completed. Hope you have understood well. So thank you so much.